नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सरकार ने जो है 19 जिलों की घोषणा की, 17 नए जिले बने। अब भजन लाल सरकार ने उन नए जिलों की रिव्यू के लिए कमेटी बना दी है। अब कितने जिले वापस रहेंगे कितने नहीं ये तो पता चलेगा, लेकिन ये मान के चलिएगा इसमें से कैसे भी करके जिले कम ही होंगे। एज इट इज पूरे जो है रहने वाले नहीं हैं, जिलों की संख्या ज़रूर कम हो जाएगी ये मान के चलेगा। अब 50 में से 45 भी हो सकते हैं, 46 भी हो सकते हैं, 47 भी हो सकते हैं, 49 भी हो सकते हैं, लेकिन जिले कम जरूर हो जाएंगे ये मान के चलिएगा। अब इसमें बात करें, खबर क्या है, जयपुर ग्रामीण जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण ये पहले कर दिया था, अब बीजेपी ने नए जिलों का रिव्यू करवाने की घोषणा की थी पहले, ठीक है। अब ये वापस कमेटी बना दी है इस कमेटी में, ठीक है। बीजेपी ने गहलोत राज में जाते जाते जिले बनाने पर सवाल उठाए थे और कई छोटे जिलों को लेकर स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया था। उस वक्त बीजेपी ने सरकार माने पर गहलोत राज में बने जिलों का रिव्यू करवाने की घोषणा की थी। अभी कमेटी बना दी गई है। दूदू को जिला बनाने पर विवाद हुआ था, केवल 3 तहसील है इसमें। दूदू को जिला बनाने पर खूब विवाद हुआ था, दूदू में केवल 3 तहसील आते, इतने छोटे से इलाके को जिला बनाने का सवाल उठे थे। अब जिलों के रिव्यू के लिए बनी कमेटी के संयोजक डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा है, जो खुद बेरवा दूदू से विधायक। अब देखते हैं दूदू के विधायक हैं क्या इस दूदू जिले को खुद ख़त्म करते हैं या फिर नहीं, देखने की बात होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, इन जिलों का अब जो है रिव्यू होगा, देख लेते। गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे, इनमें जयपुर और जोधपुर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। इन जिलों में अनूपगढ़, गंगानगर सिटी, कोटपुतली, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, खेरतल, ब्यावर, नीमकथाना, डी जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, डीडवाना, सलुम्बर, दूदू, केकड़ी, सांचौर, शाहपुरा। देखिए कि इसमें चांस है कि जो ग्रामीण और शहरी किया जयपुर और जोधपुर के 2 टुकड़े ये वापस कैंसिल कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। और दूदू जो छोटा है इस कारण से ये भी हट सकता है। ब्यावर वगैरह की, बालोतरा की, इनकी तो अच्छी खासी मांग थी। अब देखना है कि इसमें से कितने जिले वापस खारिज होते हैं। 3 संभाग बनाए थे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। अब इन संभागों की बात भी देखते हैं कितने संभाग ये रखते हैं। आखिरी बजट में घोषणा की थी, कई जिलों पर विवाद हुआ था। गहलोत सरकार ने आखिरी बजट में 17 नए जिलों की घोषणा की थी। पहले जयपुर के टुकड़े कर जयपुर उत्तर और फिर जयपुर दक्षिण और जोधपुर के टुकड़े कर जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण जिलों की घोषणा हुई थी। इस पर विवाद हो गया था, लोगों को उत्तर दक्षिण में बांटना ठीक नहीं लगा, तो सरकार ने बाद में इसका बीच का रास्ता निकाला और इन जिलों का नाम जयपुर और जयपुर ग्रामीण, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण कर दिया था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो रिव्यू बैठक है इसमें देखो, गहलोत राज बने 17 नए जिले और 3 संभागों का भजन लाल सरकार रिव्यू करवाएगी और गहलोत राज बने कई छोटे जिलों पर संकट आ सकता है। नए जिलों के रिव्यू के लिए उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। इस कैबिनेट सब कमेटी में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, PHED मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया। मंत्रियों की ये कमेटी गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों और संभागों को रिव्यू करेगी। नए जिलों पर कांग्रेस राज में सवाल उठे थे, उन्हें खत्म करने या जारी रखने पर एक कमेटी अपनी सिफारिश सरकार को देगी। कैबिनेट सब कमेटी बनाने के बाद नए जिलों के जारी रहने पर एक बार फिर से सवाल निशान लग गया। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, नए जिले एजिटिस रहते हैं, एजिटिस रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसमें से ज़रूर जिले कम होने वाले हैं। अब देखते हैं क्या करती है भजन लाल सरकार और आपका क्या है, इस पर राय जरूर कीजिएगा। क्या अब इन जिलों को कम कर देना चाहिए या फिर नहीं, मेरे ख्याल से अब इन जिलों को जैसा है वैसा रहने देना चाहिए। अब उन जिलों में अगर नहीं है उसके अकॉर्डिंग तो भी उस पर कुछ आगे करने की कोशिश करना चाहिए, उनमें सुविधा व्यवस्था करवाने की कोशिश की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।